सच्चे दिल से अरदास लगाना, माँ आपको सपने में जरूर आपसे बातें करेगी। ये आपको वचन है एक सच्चे भगत के। केड़ी ये लाचारी मेरे नाल क्यों नहीं बोल दी, जिसको माँ से बातें करनी है वो ताली भी भर के, ताली भर के, हाथों में भर के ताली को जरूर बचाएगा। जो बच्चा माँ से बातें करना चाहता है वो जरूर अपनी ताली की हाजिरी देगा। केड़ी ये लाचारी मेरे नाल क्यों नहीं बोली, नाल क्यों नहीं बोल दी।
अब माँ को बुला लिया, माँ से बातें करवा ली, अब मिन्नतें भी बनवानी है, माँ से मन्नतें भी बनवानी है। तो माँ को मन्नतें मनवाने के लिए अरदास लगानी पड़ती है और अरदास से महामाई इतनी खुश हो जाती है कि बच्चा अपने दिल के भाव अपने अरदास लेकर आए, अब तो मुझे भाग के कबूल करनी पड़ेगी। तो उस अरदास में भगत क्या कहते हैं, तेरी फरियाद सुन लेगी लगा रे दी तुम दाती को। तो कई बार ऐसे बच्चे आ जाते हैं कि ऐसे बेवकूफ बन के बैठी होगी, कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठी है, सवर के बैठ जाती है और गद्दी लगाकर बैठी है, अपने आप को ज्यादा महान समझती है। भगवान की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ माँ की। तो ये सच बात है, किसी भगत की नहीं मानो, अपने दिल की मान लो कि आपने अगर दरबार से हाजिरी लगानी है तो अरदास लगाना सीख लो। अरदास जो लगाई जाएगी वो आपको दरबार में बताया जाएगा कैसे लगती है। तो जयकारा मेरी माँ शेरा वाली था, दरबार की जय, तेरी फरियाद सुन लेगी लगार दी। महामाई अपने चरणों में खुशियां, महामाई अपने चरणों में बहुत बहुत खुशियां दे, खजाने दे, धन दे, पतियों का पत्नियों का बच्चों का प्यार आपको मिलता रहे। पत्नी तो एक ही होगी खैर। तो जय करा मेरी माँ शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो आज महामाई की कृपा से मेरा एक और भजन आया है। हमारा दरबार है वैष्णो काली दरबार जीरकपुर में, जहाँ पर महामाई की कृपा से छोटे मोटे काम महामाई की कृपा से हो जाते हैं। मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलूंगी क्योंकि माँ के दरबार में बैठी हूँ और बोलने भी नहीं चाहिए, हमें कोई हक नहीं है। माँ के दरबार में अगर कोई किसी को भूत प्रेत की समस्या है, कोई कष्ट है, काम नहीं चल रहा, घर में कलेश हो रहा है, तो वो सारे काम वहां पर महामाई की कृपा से किए जाते हैं। तो आप सब लोगों को अगर कोई कष्ट हो
तो वहाँ जीरकपुर में आए। अगर आपको किसी को एड्रेस चाहिए तो हमारे बच्चे कहीं रहते हैं, आप यहाँ से पूछ लेना, खासकर इन बच्चों से। और अगर कीर्तन किसी को बुक करवाना हो, जागरण बुक करवाना हो, तो हमारे दरबार में बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियन हैं, भैया हैं, गोलू भैया हैं, बहुत अच्छी अच्छी संगतें हैं। जगराता बुक करा सकते हैं, चौकी लगवा सकते हैं माँ की, चौकी माँ की, श्याम जी की, बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं। आप दरबार में आए और आपको बहुत अच्छे अच्छे गायक मिलेंगे और खासकर माँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो जयकारा मेरे सच्चे दरबार का, बहुत सच्चे दरबार की। तो जरा हाथ ऊंचा करो, किस किस को भजन अच्छे लगे, मेरे कीर्तन किसका अच्छा लगा, क्या बात है, सबको अच्छा लगा। महामाई आपको ऐसे ही आनंद देते रहे और आप जब तक जिए मेरे साथ जुड़े रहे। तो आप कृपा करके जिसके पास अच्छे फोन है वो यूट्यूब खोले, और वैष्णो काली दरबार का एक चैनल है आप उसे खोले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे ऐसा लगेगा कि माँ की कृपा हो रही है। माँ की कृपा पाने के लिए मुझे थोड़ी सी गुहार बच्चों को लगानी पड़ेगी। तो अगर किसी के पास अच्छे फोन है तो आप खोले वैष्णो काली दरबार। और आज भजन रिलीज हुआ है, अपने घर पे हेडफोन लगा के सुने, मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, लगाओ हम गाते हैं भजन, भैया आप ये करो। हो लगे